Assalamualaikum. Welcome to the second episode of Safre Hafazat web series. As you know, most of you already, that it's a research-based web series exploring the importance of imparting life skills-based education to adolescents in order to improve their capabilities to make informed choices about their health, well-being, and safety. This Safre Hafazat project delivered life skill-based education curriculum to adolescents, both girls and boys, in government schools in Lahore. The project is sponsored by Amplify Change, and it's a Noor Foundation initiative. Noor Center for Research and Policy is endowed by Noor Foundation based in Lahore, Pakistan, and it's the technical research arm of Noor Fatima Memorial System. NCRP, as we know it, has multifaceted projects and programs to generate, collate, and disseminate evidence for strengthening policy and planning, as well as reforming practice in the sectors of health, education, and integrated community development. Ye to ek chota sa introduction tha Noor Foundation ka, Noor Center for Research and Policy, jinhone ye project kiya, jiske tehet aaj hum ye series kar rahe hain. Aaj ka jo hamara topic hai, wo hai child abuse. Aur हम कोशिश करेंगे समझने की कि एड्रेसिंग द इशू ऑफ चाइल्ड अब्यूज, इसको हम और इस के कैसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, और अर्ली एजुकेशन और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जैसी चीजें अगर हम बच्चों को उनसे इक्विप करें तो क्या उनको हम ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं कि नहीं. हमारा आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन इसमें है. एंड आई एम वेरी लकी टू हैव ब्रिलियंट पैनलिस्ट्स विद अस. हमारे साथ सादिया सुहेल है. सादिया हमारी मेंबर है पार्लियामेंट की पंजाब से. सादिया बहुत एक्टिव है. सादिया, आप थोड़ी देर के लिए अगर अपना वो खोल दें वीडियो भी तो आवर व्यूअर्स विल लाइक टू सी यू आल्सो. चीज बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं. इन्होंने राइट्स पे, खास तौर पे यूथ के राइट्स पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है. बहुत लंबे अरसे से, ये इनका सेकंड टेन्योर है पार्लियामेंट में, पीटीआई से इनका ताल्लुक है. इन्होंने चाइल्ड मैरिज के कैंपेन पे, यूथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के ऊपर, और खास तौर पर लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर सिविल सोसाइटी का साथ दिया है, और ये हम इनको अपने पार्लियामेंट के अंदर चैंपियन कंसिडर करते हैं. वी ऑल्सो हैव विद अस मुनीजे बानो. मुनीजे बानो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. साहिल को की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और एक अरसा दराज से साहिल को हेड कर रही हैं, और बच्चों की प्रोटेक्शन के टॉपिक के ऊपर खास तौर पे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि साहिल का बड़ा लंबे अरसे का काम है और बड़ा सब्सटेंशियल काम है. और मुनीजे का खुद 40 साल से ये काम कर रही है, और आज वी आर प्रिविलेज टू हैव हर एज अ पैनलिस्ट, और हम इनसे भी रहनुमाई लेंगे. इसके साथ हमारे साथ है सरफराज काजमी साहब हैं. सरफराज काजमी इज एन ओल्ड फ्रेंड, एन ओल्ड कुलीग, रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर हैं. लाहौर के पंजाब को देखते हैं. इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है डेवलपमेंट वर्ल्ड के साथ. बहुत लंबे अरसे से लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, वुमेन एम्पावरमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इन एरियाज में बेहतरी के लिए, वल्नरेबल ग्रुप्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट के साथ मिलके भी काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग का, यूथ हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ की कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर. एंड वी आल्सो हैव विद अस माहम अली.
माहम अली कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं। शी इज अ राइट्स एक्टिविस्ट, आपके हकूक के लिए काम करती हैं, हमारे हकूक के लिए काम करती हैं। और आज हम देखते हैं, देखना चाहते हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पे, जो कि शायद सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का हकदार हिस्सा है, उसके लिए ये क्या काम करती हैं। फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट देती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, और सर्वाइवर्स के लिए काम करती हैं, उनकी फैमिलीज के लिए काम करती हैं, और स्टेट अथॉरिटी से ये सेफ्टी जो है उसके लिए एफर्ट में लगी रहती हैं, और अब्यूज और अब्यूजर को सेपरेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ताकि उनको सेफ एनवायरनमेंट मिल सके अपनी रिकवरी के लिए। इसके साथ हम अपना आज का ये जो एपिसोड है इसको शुरू करते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। जो नूर फाउंडेशन ने रिसर्च किया, जो सफरे हिफाजत प्रोजेक्ट है, उसमें जैसे कि आप जानते हैं, हमने बड़ी दफा बताया भी आपको कि बच्चों के साथ पहले एक बेसलाइन किया, उसके बाद एक एंड लाइन किया, बीच में इनको लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के मॉड्यूल पढ़ाए गए, और दोनों में फर्क देखा कि क्या फर्क पड़ा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जब उनसे बात की, क्योंकि आपको पता है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन में कवर होते, तो एडोलेसेंट से जब बात की कि अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है तो आप क्या करते हैं, तो आप यकीन करें कि 70% से ज्यादा, बल्कि 75% से ज्यादा लोगों का, बच्चों का रिस्पॉन्स था कि वो कुछ नहीं करते, वो खामोश रहते हैं। और जब उनको लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पढ़ाई गई, तो उसके बाद बहुत से उन्होंने अपना ये रवैया बदलने का अहद किया, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक बात है, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह जो है गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट कितनों को पता था, कितनों को नहीं। कुछ हालात बेहतर है इस एरिया में, बहुत से लोगों को पता था, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि अगर वो बैड टच एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको करना क्या है। सादिया, मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से हमारे साथ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम कर रही हैं, क्या चाहिए डिसीजन मेकर्स को, किस तरह से हम कन्विंस करें कि इसको करिकुलम का हिस्सा बनाएं, इसके बगैर बात नहीं बनती, हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है, आप क्या कहेंगी? नबीला, एक तो मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है और वक्त की इतनी अहम जरूरत है कि इस पे जितनी बात की जाए, इस पे जितना काम किया जाए, ये कम है। और मैं ये भी कहने में कोई आर नहीं समझती कि जिस तरह गवर्नमेंट्स को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह इसको प्रायोरिटी सेटिंग पे रखना चाहिए, माजरे से हम जो है ना, वो उस तरीके से हो नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए। और इस पर आवाज तो खैर हमेशा ही उठाई है। आज जितने वाकयात आप चाइल्ड अब्यूज के देख रहे हैं, जितने वाकयात हम बहुत तकलीफ दे हैं, वो वाकयात क्योंकि हम भी माएं हैं, बच्चे हमारे जिस तरह टारगेट होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो माशरे में इस चीज का, आप पेरेंट्स को देख लें, आप टीचर्स को देख लें, आप बच्चों को इस हवाले से कोई अवेयरनेस ही नहीं। हम बात करने में बच्चों से घबराते हैं कि कहीं हम बच्चों से ये बात करेंगे तो ये पता नहीं कितने की बुरी बात है, गुड टच बैड टच के हवाले से। मैं अगर आपको अपने बचपन का अगर सोचूं मेमोरीज, तो कई चीजें आज मैं रियलाइज करती हूँ कि ये चीज इस टाइम हमारे साथ गलत हुई थी, किसी ने इस तरीके से टच किया था, लेकिन हमें ये कभी जरूरत नहीं थी कि हम अपने पेरेंट्स को बताएं। डर था, एक खौफ था, इस पे बात करने में झिझक थी। आज उस झिझक को खत्म करने की जरूरत है। आज वाकयात हम जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें फिर उसको मीडिया पे भी चलाते हैं, उसको हम तशहीर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उस वाक्य को होने से पहले जो इकदाम करने चाहिए उस पर हम गौर नहीं करते। सबसे पहले
कि बच्चों को आप जो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो माँ बाप जो है, जैसे पहले तो माँ बाप भी उतना ही जरूरी है उन्हें एजुकेट करना, नंबर दो टीचर्स को एजुकेट करना, कि टीचर्स नहीं बात करती हैं इस पे, बच्चों को बताने पे राजी नहीं होती हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, बच्चों के अंदर जो झिझक कि अगर कोई किसी किस्म की वो फीलिंग महसूस करते हैं, और आप ये देखें ये वाकयात ज्यादातर आपके करीबी रिश्तेदार करते हैं, आपके अपने घर वाले करते हैं, और उनसे आपको खौफ होता है जी ये चाचा है, ये मामा है, ये कजन है, ये कोई है, इसके हवाले से एक तो आपका माइंडसेट ही नहीं होता कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चों को ये समझाने और बताने एजुकेट करने की जरूरत है कि कोई रिश्ता भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप समझे कि वो आपको नुकसान नहीं सवाए एक पेरेंट्स, कई केसेस में तो खैर अल्लाह ताला माफ फरमाए फादर भी इन्वॉल्व हुए हैं, ये तो हद ही कोई नहीं रह गई, ये एक सिकनेस है, मेंटल सिकनेस है, इसको डील करने की जरूरत है। दूसरा एक बहुत अहम, हमारे यहाँ जब कोई ऐसा केस होता है तो हम सारा फोकस करते हैं, अब जैसे जैनब का केस था, मैं खुद कसूर गई और बेशुमार, आपको मैं आपको एक बात बताऊं हैरत अंगेज, जब मैं जैनब के केस में हम कसूर गए तब मैं अपोजिशन का हिस्सा थी और 500 औरतें मर्द लड़के बच्चे बच्चियां ऐसे थे कि जो ब्लैकमेलिंग हो रहे थे, जिनकी सेक्स वीडियो मौजूद थी और वो पब्लिकली चीजें नहीं आ सकी, हम उन लोगों से मिले, वो एक गैंग था जो उनको पकड़ के जबरदस्ती इस तरह की वीडियोस बनवाता था और फिर वो ब्लैकमेल, एक आदमी जवान आदमी रोया कि मेरा बिजनेस बिक गया है, मेरे साथ इस तरह करवाया गया है, मतलब एक तो इस तरह के जो वीडियोस और इस तरह के मामलात हैं उसमें पूरा पूरा माफिया इन्वॉल्व है। दूसरा घर के बच्चों को आप जो है ये शऊर ही नहीं देते, ये आप बताते ही नहीं, आप समझते हैं जी ये रिश्ता है ये आपके लिए सेफ है, वो समझते हैं ये सब लोग सेफ हैं, गुड टच बैड टच का माँ ही नहीं बताती। और इसको मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए कि ये अशद जरूरत है आज के स्कूल के सिलेबस का हिस्सा बनना, इसको तालीमी, जब आप देखें आज जो स्किल एजुकेशन है, जो आप बच्चों को पहले उनकी किरदार साजी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है माशरे में, खुद को सबसे पहले महफूज कैसे करना है, ख्वाह वो लड़का हो वो ख्वाह वो लड़की हो, और किस तरह उस घर उनको कोई बात फील होती है, कोई गलत लगती है तो क्या वो उनको अपने सिबलिंग से शेयर करना चाहिए, किसी बड़े को बताना चाहिए, ये तमाम एजुकेशन जो है ये इनको तमाम तालीम ये अवेयरनेस देना आज की अशद जरूरत है। आज पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरत है कि बच्चे को आप अनअटेंडेंट ना छोड़ें, आप अपने जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ जाने की इजाजत देना, और बड़े बड़े जी वाकयात होते हैं, 5 साल की बच्ची सुबह 7 बजे बाहर निकल के एक सामने दुकान पे च्युइंगम टॉफियां लेने जा रही है, आप उसको कैसे अकेला अलाउ कर सकते हैं जाना, आप बच्चे बाहर खेल रहे हैं और आप उनको देख नहीं रहे, उनके सुपरविजन नहीं कर रहे आप लोग, जब इस तरह का माहौल हो। और दूसरा जब कोई टारगेट होता है बच्चा, जैनब केस में मैं बता रही थी कि जैनब का इतना दिखाया गया मीडिया पे, इतना दिखाया गया जैनब जैनब जैनब, जिसने ये किया क्या उसकी फैमिली को किसी ने दिखाया कि बताया कि तुम्हारा ये जो बच्चा है, इसने जिस लड़के ने ये हरकत की है इसकी क्या आदत थी, तुमने परवरिश में कहाँ कमी छोड़ी, उसके पेरेंट्स को दिखाते, उसकी फैमिली को शेम करते कि जी ये तुम्हारी औलाद है, ये इसका बैकग्राउंड था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, कि मोस्टली ऐसे केसेस में सादिया आपका माइक बंद हो गया है, चाइल्ड अब्यूज होते हैं, हम क्योंकि साइकोलॉजिकली इस अमल के बाद
आपके अंदर जो साइकोलॉजिकली चेंजेस आती हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ देती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देती है, जो सारी जिंदगी असर अफेक्ट होता है उसका, तो वो उसको हम विक्टिम को दिखा दिखा के उसकी तशहीर करके उसको उसके खानदान को माओ के मुंह के आगे माइक रखकर आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपकी बच्ची को रेप करके कत्ल कर दिया गया, ये हमारा रोल है एज ए माशरा। हमने उसके कातिल को तो नहीं पूछा, उसकी माँ को तो नहीं पूछा कि तुमने ये क्या औलाद पैदा की थी, क्या तरबियत की थी, ये खानदान का कौन सा तुम्हारा तरीका कार था। मैं समझती हूँ और असेंबली में ना सिर्फ बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर भी इस चीज से अवेयर है, इसको हमें सिलेबस का ना सिर्फ हिस्सा बनाना चाहिए, इसकी बाकायदा मीडिया पे भी अवेयरनेस कंपेन होनी चाहिए, गली महल्लों तक हमें पहुंचना चाहिए और लोगों तक इसको ये शऊर देना चाहिए। वेरी गुड टू हियर यू से दैट सादिया, आपकी हमेशा हमें सपोर्ट रही है। अगर हम एक रेजोल्यूशन लेके आए कि आप उसको पार्लियामेंट में टेबल करें ताकि, तो आप साइन करने के लिए तैयार होंगी? बिल्कुल नबीला, आपको पता है मैं पीछे हटने वालों से नहीं, और मेरा मिशन जो है वो इस माशरे में कुछ अपने हिस्से का काम करना है ना। मैं पार्लियामेंटेरियन बनने आई थी, मेरा ये विजन था कि हम अपने हिस्से का काम इस माशरे में अपना जो एक रोल है वो अदा करें। इस किस्म में कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी बिजनेस और असेंबली फ्लोर पे खड़े होके ये बात मैं करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच सादिया। अब मैं हमारे साथ मुनीजे बानो हैं, साहिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मुनीजे, आपसे मेरा सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज जो है उसका रेशो बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या वजूहात है, व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई चाइल्ड अब्यूज रेट इन पाकिस्तान? और दूसरा जो मेरा सवाल का हिस्सा है वो ये है कि जो आपकी स्टडीज वगैरह काफी इस टॉपिक पे आती रहती हैं, ये बताएं कि जो चाइल्ड अब्यूज के परपेट्रेटर्स हैं वो, उनकी क्या पिक्चर निकलती है, कौन लोग हैं, रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड हैं? मुनीजे, आपसे मेरा सवाल है, आर यू विद अस? नबीला, मैं आपसे दो तीन चीजें कहूंगी, आपके जवाब भी देती हूँ, मगर आई एम रियली प्लीज्ड टू हैव हर्ड सादिया बीबी टॉक अबाउट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो आपका बता दूं कि हमारे क्रूअल नंबर्स आपको पता है, हम पब्लिश करते हैं वेयर वी आर रिकॉर्डिंग चाइल्ड अब्यूज केसेस। आई वुड लाइक टू सेंड यू एंड मैडम सादिया एंड मे बी माहम अली our publication also, so that you know what the situation is. Haan, cases bahut hain, magar jab ye cases zyada badhte hain to hum bahut khush hote hain, kyunki hum kehte hain report ho rahe hain jo pehle report hi nahi hote the. So in a way mob cases coming up is actually meaning that people are willing to take a step forward. To ye bahut badi baat hai, बिकॉज हिडन बहुत है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरा, यस डेफिनेटली acquaintances, पीपल हु नो द चिल्ड्रन आर ऑलवेज द मेन अब्यूजर्स। ऑब्वियसली आप बच्चे को जानते हैं तो आपकी पहुंच उसके तरफ है, या वो आपके ट्रस्ट भी करेंगे कुछ लेवल तक, या आपके साथ वैसे ही, हम बच्चों को तो ये कहते हैं कि ना बड़ों का कहना मानो, तो वो वैसे ही चले जाएंगे। और फिर अब्यूजर्स के 100 तरीके हैं आपको फांसने के, ठीक है, बच्चे को फांसने के। सो ये तो सब ये बातें रही। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ जो आई वुड रियली लाइक, आई मीन देयर रियली थिंग्स आई वुड लाइक टू डू विद नूर फाउंडेशन। वी हैव अ बुक मेरी हिफाजत, एंड इट इज स्पेशली फॉर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन, एंड वो दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, टेक्स्ट बुक करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, व्हिच वी वर अ टास्क फोर्स to talk about curriculum, skill-based, life skill-based curriculum, and whether it should be included. And the Meri Hifazat book was approved as a text because they said it's very good.
it's very appropriate. हमें टेक्स्ट बोर्ड से ये आया था and they said at least supplementary reading करा दें. एक तो ये बात हुई. And it would be wonderful if this could be pushed forward. दूसरी बात ये है कि हम टीचर ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सिटी देते हैं. And we would be very happy to do the teacher training for the new teachers of primary level. And that we really give the adults, the first most important thing is adults around children must have the right information. So we talk about what is abuse, what constitutes it, what are the dangerous factors. And then we also talk about how, give them all the protection messages. So ye bhi ek hamari offer aapke liye standing hai. We have, I want to add that we have given now all these trainings in communities in more than 260 villages. And we have never received any negative feedback. They've always wanted it, listened, and are very grateful for whatever we tell them. And we also then offer free legal aid for any cases and psychological counseling. So we made it a complete sort of a holistic approach so that nothing is left with just information only. So that's what I'd really like to say. Thank you. Thank you, Manise. Maham, I'd like to go to you now. And the question I have for you is that we all know there is a high rate of child abuse. There are multiple reasons for it. In majority of the cases, the perpetrator is a close family member. It's very unfortunate, but that's the reality. Another thing that we have observed is that children do not speak out. Would you like to share your thoughts on it? Why is it that when they are being abused, they opt for staying silent instead of, you know, complaining about it, letting the adults know about it? What is going on in their head? Thank you so much, Nabila and Tanood Foundation, for inviting me. I think Nabila, बहुत important question है, बहुत एक sad situation है. अभी मनीषा ने भी बोला, सादिया ने भी कुछ issues raise किया. I think सबसे जो पहला जो I think जो what I've in my limited experience I've seen, एक तो हमारा जो माशरा जो है वो चाइल्ड अब्यूज को समझता है कि उससे बात करनी चाहिए, है ही नहीं उसके ऊपर. बिकॉज यू नो एंड द चाइल्ड ऑल्सो फील्स, तीन चार रीजन बेसिकली है. एक तो शेम, बिकॉज द चाइल्ड फील्स के उसकी गलती है दैट ही और शी वाज अब्यूज्ड. दूसरा ऑब्वियसली फियर, खौफ कि अगर मैं बताऊंगा अपने पेरेंट को या टीचर को, इसको भी वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे वो. दूसरा, इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ केसेस वेयर द चाइल्ड व्हेन ही डज टेल द पेरेंट, वो बिलीव नहीं करते हैं. वो कहते चुप कर जाओ, बदनामी हमारी हो जाएगी. सो एक तो दूसरा, आई थिंक एज मिनिजे ऑल्सो मेंशन राइट नाउ, कि ज्यादातर हमारे जो होते हैं अब्यूजर्स, वो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होते हैं. सो वो भी एक बच्चे को बहुत खौफ होता है कि यू नो के ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देयर ओन फैमिली एज वेल, वो नहीं बताते हैं. दूसरा, आई थिंक सबसे जो बड़ी जो एक रीजन है इसकी, कि हमारे जो पूरा जो हमारा, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा जो माशरा हो, कोई मास अवेयरनेस कैंपेन नहीं है अभी तक ऑन चाइल्ड अब्यूज. आप जब तक बच्चों को बताओगे, एंड सिर्फ बच्चों की बात नहीं, इवन पेरेंट्स आर नॉट अवेयर टू बी ऑनेस्ट. आई हैव मेट विद मेनी मेनी पेरेंट्स रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, अ कपल ऑफ इयर्स बैक. आई वाज डीलिंग विद अ केस वेयर अ 6 month ओल्ड बेबी वाज अब्यूज्ड बाय हिज ओन ग्रैंडफादर. And when I spoke to the mother, she's like, "Nahi, theek hai, wo to matlab hai ki bas ab chhod de, aap kya kar sakte hain." The child did not survive. The baby did not survive. Even then, us maa ne kuch bhi nahi kiya because of the shame that associated with such cases. Dusra, I think ek aur jo bahut jo reason jo hai ki hamari jo state jo hai, hamari government jo hai, उधर के एवेन्यूज नहीं है कि बंदों को पता नहीं है कि कहाँ रिपोर्ट करें. वो अभी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल एक वो जेनेबल एड बिल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उनकी हेल्पलाइन भी है, बट वो भी अगेन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ अ मास अवेयरनेस कैंपेन. अगेन नहीं पता है बच्चों को, बड़ों को कहाँ रिपोर्ट किधर करें. बट आई थिंक द मेन रीजन इज कि एक बहुत ज्यादा शेम और फियर एक एसोसिएटेड है. दूसरी बात आई थिंक ये है कि अभी जो सादिया साहिबा ने जो मेंशन किया जैनब का केस, मीडिया ने बहुत बात की, सारा कुछ बिल्कुल हुआ,
But in my personal opinion, hanging of a person is not the option. It's not going to kind of reduce the domestic violence or child abuse cases in such cases. हमारे जो laws जो हैं, we do have laws, implement नहीं होते हैं. So आपने इमरान को जो आदमी था who raped and murdered Zainab, आपने उसको hang कर लिया. क्या केसेस कम हो गए? नहीं. सो आई थिंक बहुत ज्यादा हमारे फैक्टर्स हैं. बट दूसरा जो नूर फाउंडेशन जो काम जो कर रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू नोट अ वेरी अर्ली एज कि उनके पास एवेन्यूज क्या है. अगर हमारे खतम के साथ होता है इट्स नेवर देयर फॉल्ट. स्कूल्स में बताना चाहिए है. अभी जो आई रियली होप कि अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें आई होप कि इसमें इस तरह कुछ चीज़ें इस तरह की इंट्रोड्यूस करवाई हों जहाँ स्कूल्स को पता लगे. सो ये तीन चार बेसिकली फैक्टर्स मुझे आते हैं कि दिस इज व्हाई चिल्ड्रन डू नॉट रिपोर्ट द केसेस. Thank you, Mahamalkat. Back to you on this. Sarfraz, being a very close friend of mine, I took the liberty of keeping him for the last. Sarfraz, aap se jo hai, mujhe opinion chahiye ki जो हम बार बार प्रचार कर रहे हैं कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए, क्या आप सोचते हैं कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो चाइल्ड अब्यूज को प्रिवेंट करने में या कम करने में कोई मदद कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस तरह से? सरफराज, यू विद अस? थैंक यू वेरी मच बिला, और थैंक यू वेरी मच नूर सेंटर. और क्योंकि मैं इनकी स्टीयरिंग कमेटी में भी था और जितना भी प्रोसेस था उसमें शामिल रहा, और FPP क्योंकि पिछले 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट भी काफ़ी सारे किए हमने. इसमें सादिया भी हमारे साथ रही बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी मूव की थी असेंबली में, मुझे याद है उसको. मेरे ख्याल में दोबारा उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इन्होंने प्रॉमिस भी किया. अच्छा, जो सिचुएशन आपने बताई है उसमें साहिल की तरफ से भी कुछ नंबर शेयर किए गए. तो रिसर्च ये कह रही है कि तकरीबन डेली पाकिस्तान के अंदर 8 लड़कों में से एक लड़का, ये जो 18 ईयर से कम उम्र है, और 6 लड़कियों में से एक लड़की डेली अब्यूज हो रही है. जंग अखबार कहता है कि डेली तकरीबन 10 बच्चे जो हैं वो अब्यूज होते हैं पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हर एक घंटे के अंदर. तो ये तो सिचुएशन है. अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल जो स्टडीज हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है इस वक्त जो चाइल्डहुड इंडेक्स है उसमें 149th नंबर पे खड़ा हुआ है आउट ऑफ 174 कंट्रीज. ठीक है, तो हम कहने को इस्लामी माशरा हैं, और जहां हम बात करें गुड टच की, बैड टच की, सीक्रेट टच की भी बात करने की जरूरत है. बैड टच गुड टच तो समझ में आ रहा है, एक सीक्रेट टच भी है. हम बहुत सारे बच्चों की यहां पे रेगुलर बेसिस के ऊपर वो करवाते रहते हैं वर्कशॉप्स, और इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं. फिर हम पीयर एजुकेटर्स भी जो है उसमें तकरीबन हर 3 महीने में 40-50 बच्चे ट्रेन करके मार्केट में जो है लेके आ रहे हैं, जो कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ट्रेन है. अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताने लगा, LSB का पूरा कंपोनेंट हमने पढ़ाया एक, उसमें डिफरेंट बच्चे थे. इसमें लाहौर कॉलेज के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, UCP के थे, पूरा ग्रुप था 25-23 बच्चों का. तो अचानक एक दिन ऐसी दिमाग में मेरे ख्याल आया, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए जब आप बच्चे थे, अब तो आपने सीख लिया लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ और आपको उस वक्त मालूम नहीं था? तो एक बच्ची ने मतलब जो है आइस ब्रेकिंग मैं समझता हूँ एक बड़ी बात थी, कहने लगी कि मैं जब छोटी थी तो बहुत हेल्दी थी, तो जो हमें तो हाफिज साहब आते थे घर में से पारा पढ़ाने के लिए, वो मेरे थाइस पे हाथ फेरते रहते थे. जस्ट इमेजिन एक बच्ची जो कि 7-8 साल की है, उसको नहीं पता, कहती मुझे आज पता चला है कि वो बैड टच था. एक बच्चे ने कहा कि जो ड्राइवर मुझे स्कूल लेके जाता था छोड़ने के लिए, वो मुझे गोद में बिठा के ड्राइव किया करता था, मुझे नहीं समझती वो बैड टच था, वो सीक्रेट टच था. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. और ये अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम मेरा ख्याल में आ रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या तो बच्चों के अंदर, अगर इसके लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के हम 8 कंपोनेंट देखें ना, तो उसमें एक कंपोनेंट है कम्युनिकेशन के ऊपर. शायद बच्चे लैग करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. ठीक है, तो 8 के 8 कंपोनेंट इतने ही इम्पोर्टेंट हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के, कि उनको अगर आप मतलब एक पॉजिटिव एंगल के साथ देखें तो वो यकीनन प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे केसेस को. अच्छा, अगर हम WHO की, वर्ल्ड बैंक की, USAID की,
यूनिसेफ की जो स्टडीज हैं उन्होंने इंस्पायर के नाम से कुछ स्ट्रेटेजीज जो हैं वो उन्होंने जो है रिसर्च स्टडी है, उसके बाद उन्होंने इंस्पायर के नाम से एक अप्रोच और उसमें जो सेक्टर को प्रिवेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्ड जो उन्होंने लिखा इंस्पायर के नाम से वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं 7 बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के अब्यूज। उसमें 7वां जो लास्ट जो 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 स्ट्रेटेजी वो कहते हैं दैट इज लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। पहली महम ने भी बात की कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज और इनकी इन्फोर्समेंट। दूसरे नंबर के ऊपर वो बात करते हैं नॉर्म्स और वैल्यूज की। तीसरे नंबर के ऊपर सेफ एनवायरमेंट की बात करते हैं। चौथे नंबर के ऊपर पेरेंटिंग की, अपना रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। और छठे पांचवें नंबर के ऊपर इनकम जनरेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ फैमिली का जो है उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं। और छठे नंबर के ऊपर रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सर्विस। 7वें पे आ रहे हैं वो एजुकेशन एंड लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो बहुत सारे काम ऐसे जो कि रियासत ने करने और सोसाइटी ने करने हैं। लास्ट और 7 जो कंपोनेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है वो इसको रिस्पॉन्ड करे और एक हेल्दी नेशन के तौर के ऊपर हम दुनिया को अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने बच्चों को बचा सकें इन तमाम हार्म से, इस अब्यूज से, तो मेरा ख्याल है ये यकीनन हेल्पफुल होगा ये 2 लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का, लेकिन पहले 6 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सरफराज। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर लूं कि अपने माइक्स म्यूट कर दें, बिकॉज वो बीच में इंटरप्शन आती है जब कोई और बात कर रहा होता है। साथिया मेरा ख्याल है आपका माइट अभी हाँ हो गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। बेशक बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ करने की जरूरत है। जो इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त, अगर हम वेट करें कि तमाम पेरेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो बच्चों को जो है वो खुद ही से इन चीजों के लिए तैयार कर सके, अगर हम अपना जो वो सपोर्ट मैकेनिज्म है उसके लिए तैयार हो, वेट करें कि वो हो जाए, पहुंच जाए वहां तक, उस मकाम तक पहुंच जाए जहां पे जो है बच्चों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, तो शायद देर हो जाएगी। हम अभी फोकस उन चीजों पे करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, और बेशक ये 100% प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को अपने राइट्स पता होंगे, अगर उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि गलती उनकी नहीं है, तो तब भी बहुत किसी हद तक वो अपनी प्रोटेक्शन करने में कामयाब हो सकेंगे। मैं अपने बाकी पैनलिस्ट से, मुनीजा आपने बताया कि साहिल ने ये किताब मेरी हिफाजत भी छापी हुई है जो कि टेक्स्ट बुक वो अप्रूव्ड है। आप मुझे बताइए कि आपके एक्सपीरियंस में जिन बच्चों ने ये लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन किसी हद तक हासिल की और जिन बच्चों ने नहीं हासिल की, दोनों में क्या फर्क है, खास एटीट्यूड्स का क्या फर्क है? उनीसे आपसे मैं ये सवाल शुरू करती हूँ, मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछूंगी। देखें जी, हमने ये जरूर देखा है कि जब बच्चों को, मगर मैं आपको एक बात बता दूं नबीला, नो सपोर्ट विल बी अवेलेबल टू चिल्ड्रन अगर उनके इर्द गिर्द के एडल्ट्स को भी ना पता हो कि क्या बात हो रही है। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जस्ट गिविंग चिल्ड्रन लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन without involving that group parent and teacher, because जब तक उनके इल्म में नहीं होगा वो जो attitudes हैं कि जी आप चुप कर जाओ, आपको हम आप झूठ बोल रहे हो, ये सब चलेंगे। so they must be made aware before we make aware the children of what they can do, and that is what we have done. We have never educated children without educating the adults around them. We are not saying every adult in the world, but the children who we are educating, unke adults ko hum pehle educate karte hain. To ek to ye baat hai. Dusri baat ye hai ke, sorry, now I've forgotten what you were wanting me to answer. I said, is there a substantial difference between children who receive education and children who don't? Absolutely, because when we talk to children,
they rattle off, you know, we have about 14 animations on every aspect of what can happen, how children can be trapped and what they should do. And whenever, and we therefore have a puppet show, which we show the children also so that they can understand. We have animations and a puppet show so that they know the different ways in which they could be trapped. So whenever we talk to those children, they will immediately tell you that, gee, ye karna hai, ye karna hai, hume ye bolna hai, humne ye nahi karna, humne kisi ke saath jana nahi hai, wo sari baatein. So they have learned that in, if the, and you know, recently we did had model villages in which we said everybody is going to be made aware of child sexual abuse and protect their children. And usme, we immediately had responses where children said, you know, these people came on a motorbike and were offering me a ride. And I screamed and I ran and I went and found adults just to protect myself. Now, that's one of the strategies. So I think that it definitely has a very good effect on children. Thank you. Same question to you, Maham. जी थैंक यू एब्सोल्युटली जी बिल्कुल आई थिंक फर्क पड़ता है और टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत एक्सपीरियंस इसमें नहीं है बिकॉज आई वर्क मोस्टली विद द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टू काइंड ऑफ इंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर सेफ एंड आल्सो द वुमेन बट फ्रॉम माय लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ दिस रिसेंटली आई थिंक आई वाज विजिटिंग सम स्कूल्स इन इस्लामाबाद गवर्नमेंट स्कूल से जिनको हमने थोड़ा बहुत लाइफ स्किल्स भी हमने उनको की थी थ्रू द गवर्नमेंट नॉट हमने फुल जब मैंने स्पोक टू द किड्स देयर स्पेशली टू द फीमेल स्टूडेंट्स आई वाज प्रेजेंटली सरप्राइज्ड दैट दे डिड से कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस जो जहां मैं गई थी उधर बहुत ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स थी एंड नो फीमेल टीचर देयर वर ओनली मेल टीचर्स एक्चुअली जो आई थिंक लॉ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज दे हैव टू बी फीमेल टीचर्स एज वेल सो व्हेन आई स्पोक टू देम दे वर वेरी अवेयर ऑफ देयर बॉडीज दे वर वेरी अवेयर ऑफ देयर sexual rights as well. So I was quite surprised to see that actually ki ye thoda bahut lag raha hai ki farak pada hai. But having said that, hamare mulk mein 22 million bacche out of school hain. More than that actually. So wo unko kis tarah approach karenge? Schools mein to ho raha hai. Private schools khud bhi bahut zyada karte hain. Government schools bhi thoda bahut lag raha hai ki now they are kind of very interested to kind of make sure that our children remain protected. But bacche jo out of school jo hain, jo orphanages mein jo hain, उनके साथ क्या हो रहा है उनको कोई हमें I mean I haven't seen a lot of focus on that right now but absolutely I think life skills is should be a basic need for everyone हर किसी को करना चाहिए and it does make a difference absolutely thank you Sadia आप बताइए एक तो हम जो बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं उनको तो आपको एक आसान फॉर्मूला दिया है सिलेबस भी बनाया हुआ है अप्रूव सिलेबस पड़ा हुआ है उसको सिर्फ आपने उनके करिकुलम में ऐड करा ये जो माहम ने बात की है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये जो 22 मिलियन बच्चों के ये बात कर रही है इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या हो सकता है और कौन जिम्मेदार होगा देखिए मैं माहम की बात को बिल्कुल सेकंड करते हुए और आगे बढ़ाते हुए कि बहुत ही ये वैलिड पॉइंट था जो मेरे भी माइंड में चल रहा था मैं करना चाहती थी देखिए जो बच्चे स्कूल में हैं वो हमारी रेंज में है हम सिलेबस का हिस्सा बना देंगे उनको ट्रेन कर देंगे लेकिन जो बच्चे कभी स्कूलों की शक्ल ही नहीं देखते वहां तक पहुंच ही नहीं पाते उनका क्या देखिए तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो रियासत की होती है रियासत से इनकार नहीं कर सकती आप जो सिविल सोसाइटी को देती है अवेयरनेस के हवाले से या इश्यूज को रेज करने के हवाले से जी जी हेलो जी सादिया आई कैन हियर यू कंटिन्यू अच्छा इसमें मैं ये समझती हूँ कि एज ए माशरा भी हमें अपना रोल अदा करना है और एज ए रियासत भी सबसे बड़ी बात कि जो कवानीन बने हुए हैं उनको इन्फोर्स करना ये लाजमी है जब तक हम कानून को इन्फोर्स नहीं करेंगे और जो लोग इस किस्म के क्राइम्स के मुर्तकिब होते हैं उनको वो अपने कैफे करदार तक नहीं पहुंचेंगे और माशरे में एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि जो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व होगा चाइल्ड अब्यूज के हवाले से वो उसके लिए माफी नहीं है और सेकेंडली जो फैमिली मैटर होते हैं जो घरेलू लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिसको पेरेंट्स ही जिनको मतलब प्रोटेक्ट कर देते हैं वो बात उछालते नहीं है रिश्तों की खातिर शर्म की खातिर एक तो ये चीज उनमें से निकालनी पड़ेगी कि एक बच्चा जो
एक तो विक्टिम होता है, फिर वो गिल्टी भी फील करता है कि मैं शायद पता नहीं मेरे से क्या हो गया है, या मैं मुजरिम हूँ, वो मुजरिम बन जाता है हमारे माशरे में। ये सोच निकालनी होगी और पेरेंट्स को ये अवेयरनेस, देखिए इसके लिए हर किस्म का मीडियम यूज किया जा सकता है, वो प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सोशल मीडिया है, आजकल किसी की रेंज में भी एक मोबाइल नाम की चीज हर एक के हाथ में है। लेकिन इस पे एक मैसिव किस्म की कंपेन की और अवेयरनेस की जरूरत है, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस की जरूरत है कि वो अगर उनका कितना ही करीबी रिश्तेदार या कोई इन्वॉल्व क्यों ना हो, इस इशू को उठाना पड़ेगा और अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा। और इसमें रियासत की सतह पे बहुत बड़ी कैंपेन सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर होनी चाहिए, और गली मोहल्ला में आप थिएटर के थ्रू, मैं कराची एक प्रोग्राम पे गई, वहाँ पे वहाँ के बहुत ही पसमानदा इलाके के बच्चों ने थिएटर खामोश, जिसमें एक डायलॉग नहीं था, लेकिन उन्होंने चाइल्ड अब्यूज के केस को ऐसे समझाया कि कोई गूंगा बहरा भी देखकर समझ जाए कि मैसेज क्या है। यकीन मानिए आज ये जरूरत है कि हम अपने मीडिया के तमाम सोर्सेज, हम अपनी लॉ एजेंसीज इन कानून को ना सिर्फ इन्फोर्स करवाना, हर मीडियम यूज करके लोगों को ये शऊर देना, ये तहफ़ देना, उन बच्चों को ये देन बताना कि वो विक्टिम है, और बच्चे विक्टिम होने से पहले हमें रोकने की जरूरत है, कि इससे पहले कि हमारे बच्चे विक्टिम बन जाए हम उनको मीडिया पे इश्तेहार चलाएं, उससे पहले मीडिया पे ये बताएं कि विक्टिम बनने से कैसे रोका जा सकता है, इस चीज की अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया सादिया। एक चीज जो के उस वक्त से मेरे जहन में आ रही है, एक तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो जितने यूथ के लिए प्रोग्राम्स बना रही है, जितने पोर्टल्स हैं, उन सब में इसको शामिल कर सकती हैं, इससे आपका जो है स्प्रेड बढ़ता जाएगा, बहुत से लोगों को इनके बारे में पता चल जाएगा। जैनब बिल आया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है तो मैं देखूंगी कि परपेट्रेटर जो है या जो मेरा अब्यूजर है उसको सजा मिली कि नहीं मिली। अब अगर सजा मिली है तो फिर तो जो दूसरा मेरे जैसा कोई और अब्यूज्ड होगा वो भी जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ज़ैनब बिल आया, क्या उससे वो जो पॉजिटिव मैसेज आना था सोसाइटी में वो आया, उसका वो कोई इफेक्टिव लगा है? मेरा ख्याल है सबसे पहले सादिया अगर आप इजाजत दें, मैं मुनीजे माहम और सरफराज से पूछना चाहूंगी क्योंकि ये बच्चों के साथ काम करते हैं, तो इनके क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी मुनीजे आपसे शुरू करते हैं, डू यू थिंक ज़ैनब बिल मेड एनी डिफरेंस सो फार? Dekhin ji, we can only go by the statistics they share with us. I just want to make clear ke Zainab Bill is basically the system, the Zara system is ke any child missing can be reported immediately aur wo sare police stations mein information chali jayegi and they have to immediately take action. That is the base of the Zara Bill. And they say that they have received many calls and out of those many calls, a lot of them were resolved. So I think they are better able to answer exactly how much they think this has affected, but this is what has come up in their statistics. So I would say, yes, of course it must have had an effect. If children can be reported missing, because that has been one of the big links that were not, that gap that was not filled. कि जी मिसिंग बच्चा आया तो पुलिस कह रही है अच्छा दो दिन बाद देखते हैं, एक दिन बाद देखते हैं, ये वो, अब उनको इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ती है. So yes, I'm sure it has had a good effect. Good. Thank you. Would you like to add anything to this? जी बिल्कुल, adding to what Manisha has mentioned, I think देखें, as I said earlier as well, कि laws हमारे पास बिल्कुल हैं. Zainab Alert Bill is a very good addition to that as well. But again, उसमें as Manisha just said, उसमें basically ज़्यादा होता है कि missing children को report किया जाता है. Success stories भी हुई हैं. But from my experience, हमारे जो police stations हैं उनको नहीं हैंडल करना आता है कि हाउ टू हैंडल अब्यूज केसेस. रिसेंटली अभी ये केस, आई एम एक्चुअली लुकिंग एट दिस केस राइट नाउ, वेयर दिस 15 ईयर ओल्ड गर्ल हैज गॉन ऑफ एंड गॉट मैरिड हरसेल्फ. अब वो कह रहे हैं कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो वो तो हमें मतलब जायज़ है.
15 years minor होता है, you can't get married उस तरह. तो वो basic I think हमारे police officers को बहुत सख्त training ज़रूरत है. Zainab Alert Bill is very good when it comes to spreading the word, right? As Minister also mentioned, but उसमें exactly reduced cases हो रहे हैं, effective mechanisms established हो रहे हैं, वो हमें नहीं पता to be honest at this point. So I really can't say much about that. But again, because Zainab का case जो था, वो बहुत ज़्यादा highlight किया गया था media ने, तो वो एक bill तो बन गया, उसको भी तक बहुत ज़्यादा highlight किया जाता है. But effective कितना है? I think this we need to ask the government as well. जी सरफराज, सेम क्वेश्चन टू यू. आप बताएंगे कि आपके भी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी काफी क्लोजली इसके साथ काम करता है. थैंक यू बिला, और क्वेश्चन वेल टेकन. मेरा जो जाती जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा कि कोई ऐसा केस आ जाता है तो सरकार एकदम से ना उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, चारों तरफ भाग दौड़ मच गई, मीडिया पे शोर हो गया, और उसके बाद 10-15 दिन वो एक हाइप रहती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मैं बता रहा हूँ. कसूर का इंसिडेंस हुआ, हम सालों से गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, और कि कुछ ऐसा कैरिकुलम के अंदर चीजें डालने, हमें कोई लिफ्ट नहीं करवाता था. कसूर में जब वो बच्चों के साथ इवेंट हुआ तो हमें तलाश करते फिर रहे थे सरकार के डिपार्टमेंट के लोग मुख्तलिफ कि जी वो आपने क्या क्या बनाया हुआ हम दे दें, वो वजीर कानून हमारे से रोज पूछ रहे हैं. ठीक है, सेम ज़ैनब इंसिडेंस, वो सारी जो हमने मटेरियल डेवलप किया हुआ तो हमने सरकार को दिया. यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट. अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और अभी हम भी बात कर रही थी कि जब तक आपने बिल बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, सिचुएशन चेंज नहीं होगी. अच्छा, थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कैसे एड्रेस किया जाए, उसमें हमारी जो अपनी एक्सपीरियंस है FKP का, एक तो जो हम पीयर एजुकेटर्स हर 3 महीने के बाद 40-50 बच्चे हम निकालते हैं लाहौर से और तमाम पूरे पाकिस्तान से, हमारे जितने भी प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस हैं 15-20 बच्चे हर महीने 2 महीने के बाद वहाँ से वो अपना ग्रेजुएट होकर निकलते हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, और ये फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अकेडमीज हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो कहीं बच्चे जाके बैठते हैं, जो झुग्गी वाले हैं, वहाँ पर जाके वो स्ट्रीट थिएटर करते हैं. ठीक है, और ये छोटे छोटे जो वो बनी हुई है, हमारे पास वीडियोस बनी हुई है, वो दिखाते हैं उन उन बच्चों को. अच्छा, अब जो जमाना है ये आ गया, सारा का सारा आपके हाथ के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर उन्होंने सब चीज डाल दी. कौन लोग हैं ऐसे जिनके पास अब ये स्मार्टफोन नहीं है? हमने एक यूथ एडवोकेसी नेटवर्क के नाम से, यू वेल अवेयर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमने कुछ फंड किया. उन्होंने ऐप डेवलप की लाइफ स्किल एजुकेशन के तमाम कंपोनेंट जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करके उन्होंने FKP की वेबसाइट पर डाल दिए. एक और ऑर्गेनाइजेशन है मशल के नाम से काम कर रही है, ब्रिज द गैप के नाम से उन्होंने गैप बनाई थी, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के 8 कंपोनेंट उसमें डाल दिए. अभी हम क्या कर रहे हैं, आजकल मीडिया हाउसेज हैं 2-3, हमने उनको एंगेज किया हुआ है, इसकी एनिमेटेड मूवीज हैं छोटी छोटी इन्हीं 8 कंपोनेंट्स की, वो हम बना के वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अपने वेब के ऊपर, ताकि वो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको भी अवेयरनेस हो सके इस लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में. ठीक है, तो एक रेगुलर प्रोसेस है, और एक अच्छी बात ये रही कि पंजाब में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये पहला क्रेडिट जाता है नूर फाउंडेशन को, इन्होंने यहाँ पे किया गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और शुरू के अंदर इनको बड़े हर्डल्स आए, इन्होंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए, लेकिन बहरहाल इम्प्लीमेंट कर लिया. प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हम कर रहे थे, अभी आज ही हमें एजुकेशन ऑफिस चकवाल का लेटर मिला है, उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट किया है कि गर्ल्स और बॉयज कॉलेज में और स्कूल्स के अंदर जाके आप लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पढ़ाएं. मैं समझता हूँ ये जब गवर्नमेंट खुद से स्टेप लेती है, खुद से हमें कह रही है, ये कब से हो रहा है? वो जो CJ का नोटिस था और CCI की रिकमेंडेशन हुई, जब वो लेके जाते हैं डिपार्टमेंट्स के पास के जनाब ये आपने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना है, इसके ऊपर टाइम लाइन्स हैं, तो फिर जो है अब वो जो है बर्फ पिघलनी शुरू हुई है, और इंशाल्लाह ऐसा ऐसे ही चीजें और बेहतरी की तरफ जा रही हैं. और अच्छी चीज ये है कि PTI की गवर्नमेंट काफी प्रॉमिसिंग है, इनको आप नए इनिशिएटिव के ऊपर बात करें तो ये बात सुनते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं. थैंक यू. गुड, थैंक यू. ये अच्छा लगा सुन के कि आप पूरी उम्मीद हैं. मुझे एक आखिरी सवाल आप सबसे पूछना है कि एक लॉजिकल सी बात है, हर एक का इंटरेस्ट है. मैं ये नहीं मानती कि कोई इस मुल्क में ऐसा है जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट ना हो.
हर एक चाहता होगा कि हमारे बच्चे महफूज रहें। गवर्नमेंट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया CII के जो वो थी रिकमेंडेशन थे कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम का हिस्सा बनाए। हिंड्रेंस कहाँ है? एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी फ्रैंक, ताकि पहले हम मॉन्स्टर को पहचानेंगे तो फिर उसको उससे डील करेंगे। कहाँ पे हिंड्रेंस है, क्यों पंजाब में अभी तक लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन मेन स्ट्रीम करिकुलम का हिस्सा नहीं बन सके? उन्हीं से आपसे शुरू करते हैं। या सरफराज, आप योर ऑन, व्हाई डोंट यू एड्रेस इट फर्स्ट? Have I lost everyone? I'm here, Nabila. Really, the answer is I don't know why. I don't know why it does not take off the way it should. Because at one point you have the support from the government, at another point, you know, the stakeholders like the schools, the teachers, their parents are asking for it. I really don't know why it does not manage to get into the mainstream. It doesn't make sense. But that's it. I really don't know why. Because ab textbook board ne agar hame ye task force ne unhone hame recommend kiya meri hifazat at supplementary reading wahi khatam ho gayi baat, aage kahin nahi gayi. Wo bande bhi badal gaye to aap bhi kisi se baat nahi kar sakte. So I'm not sure what is it that can help to actually move this as a holistic thing through and through. I really don't know. Thank you. Thank you for your candidness, ma'am. I hope you have answers for us. देखें इसमें आई थिंक एंड आई मीन मनीजे का बहुत एक्सपीरियंस है सबका। आई थिंक इसमें एक तो है कि हम लोग बात तो बहुत करते हैं बच्चों की, यू नो, कि बच्चों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए सारा कुछ, बट एज अ सोसाइटी वी रियली डोंट डू मच फॉर चिल्ड्रन टू बी, इफ यू आस्क मी। हम लोग बातें सब बड़ी करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, जितने भी हैं। आई थिंक एक तो हमारा जो कल्चर जो है उसमें इतने ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एरियाज में एक जो होता है जो चाइल्ड मैरिजेस जो होती हैं हमारे, एक तो वो तो इट्स पार्ट ऑफ अ कल्चर। आई वुड से हमारे ये नेशनल असेंबली में भी डिस्कशन हो चुकी है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बट हमारा तो ये यू नो एक कल्चर है। दूसरा आई थिंक के क्या कहते हैं हमारे जो एक जो माइंडसेट जो एक अभी एक रिसेंट जो केस जो एक हुआ था वेरी अगेन प्रोमिनेंट केस द रेप मोटरवे केस, उसमें इट वाज अ हॉरिफिक केस, ठीक है, उसमें एक औरत के साथ ज्यादती हुई। उसके बाद जो गुफ्तगू जो हुई उसके बाद जो हमारे जो टॉप पुलिस ऑफिसर ने जो कहा कि यू नो कि ये तो इनको नहीं निकलना चाहिए था सारा कुछ, सो अब आई थिंक एक तो वो भी एक माइंडसेट का बहुत एक सीरियस एक प्रॉब्लम है। दूसरा हमारे जो सोसाइटी जो है दैट इज ड्रिवन बाय अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कुछ गवर्नमेंट के भी लोग हैं, स्टेट के भी लोग हैं, हमारे जो मदरसा जो हैं, मदरसा प्ले वेरी पावरफुल रोल इन दिस एंटायर एटमोसफेयर। आई थिंक बहुत से मदरसा हैं जो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू जनरलाइज ऑब्वियसली, लेकिन मदरसा में अगर आप जाएं उधर जिस तरह का बच्चों के साथ ज्यादती हो रही होती है और सबको पता है ऑनेस्टली, मतलब ये नहीं कि कोई बात छुपी हुई है, बट आई थिंक इतने वो पावरफुल हमारे एक स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं सैडली ये, तो इनके नो वन विल टेक्स एन एक्शन अगेंस्ट देम, कुछ कुछ करते नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी जो हमारा जो एक पूरा जो कल्चर जो अगेन जो है वो सिर्फ खत्म होता है और शुरू होता है औरत की बॉडी से, ठीक है, कि अगर इसको हम पर्दा कर दें तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह भी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इस तरह की जो स्टेटमेंट जो दी थी, सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व्स कि हमने अभी तक हमने क्यों नहीं कुछ किया। इतना सिंपल सी बात है टू बी ऑनेस्ट इफ यू लुक एट इट, बट बिकॉज हमारा एक जो पूरा जो माइंडसेट है, हमारे एक जो कल्चर जो बना हुआ है, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। अभी रिसेंटली एक जो बहुत बड़ा जो केस जो हुआ था लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में जो हुआ था, अगेन बहुत ज्यादा एक बड़ा केस बनना चाहिए था, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सब चुप कर गए। सो इवन इन अ प्राइवेट एलीट स्कूल लाइक दैट आई वाज शॉक्ड टू हियर कि दे डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स और लाइफ स्किल एजुकेशन।
सो आई थिंक हम लोग वी आर अ नेशन ऑफ टॉकर्स, आई थिंक बातें बहुत करते हैं बट व्हेन इट कम्स टू काइंड ऑफ एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग स्टफ नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन. सो इट्स अ वेरी वेरी सैड एंड स्केरी सिचुएशन. आई होप कि अभी जो सरफराज साहब ने जो कहा है कि ये गवर्नमेंट उम्मीद है कि थोड़ा बहुत करेंगे ये, सो लेट्स सी मतलब है कि क्या होता है, लेकिन मुझे तो ज्यादा फिलहाल उम्मीद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. ओके थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन. सिर्फ एक चीज से आपके मुझे इख्तलाफ है कि किसी एक सेगमेंट को लाइक मदरसस को हम कॉर्नर नहीं कर सकते. आई एम श्योर वहाँ पे भी बहुत सारे बिल्कुल फ्री फ्रॉम अब्यूज और अच्छे काम भी हो रहे होंगे. सरफराज आपसे सेम क्वेश्चन, ये बताइए कि क्यों नहीं बेल बनने चढ़ती? क्यों नहीं बेल बनने क्यों नहीं चढ़ रही है? बेल बनने क्यों नहीं चढ़ रही? इन लोगों के साथ बहुत मैं एंगेज रहा और फिर मेरे क्यूरी आ गई कि क्यों नहीं करते. तो जब मैं पूछता था कि स्टूडेंट लाइफ में आप किन लोगों के साथ थे, तो वो फिर एक मखसूस जमात का नाम लेते थे. अनफॉर्चुनेटली आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो एक मखसूस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं. वही लोग हैं जो जंग में कॉलम भी लिखते हैं. ठीक है, तो जब तक ये लोग बैठे हुए हैं इस मखसूस स्कूल ऑफ थॉट के साथ, आप नहीं कर सकते इसको. ठीक है, हाँ, अब वो सीजे का नोटिस आ गया, गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बना दी, पीछे से डंडा पड़ेगा. अच्छा, फिर जब हम लेके जाते हैं, अच्छा जी ये हमने बनाया, अच्छा ये लफ्ज इसमें से निकाल दें, इवन वो वर्ड्स भी उनके लिए स्टिग्मेटाइज्ड हैं. ठीक है, तो वो जो मखसूस जो ग्रोह के लोग हैं, वो जब तक वहां बैठे हुए हैं, कैरिकुलम बोर्ड के अंदर वो बैठे हुए हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो आपके लिए हमेशा हर्डल्स और बैरियर्स बने रहेंगे. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई मे बी रॉन्ग, आई होप यू आर रॉन्ग, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है फ्रस्ट्रेटिंग थोड़ा सा. आई वुड लाइक अस टू लुक एट आवरसेल्फ्स, क्या है जो हम बेहतर कर सकते हैं और शायद नहीं कर रहे. मुझे, आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ यू आर रॉन्ग इन योर ऑब्जर्वेशंस, आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो उतना ही वैलिड है. मुझे ये लगता है कि हम पॉकेट्स में काम करते हैं. अगर हम इसी कैंपेन को कलेक्टिव कर लें, मीडिया को साथ मिला लें, जितने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको साथ मिला लें, 60% आपकी यूथ है उसको आप साथ मिला लें, मैं कहती हूँ ये काम, क्या कोई भी काम हो सकता है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो राइट्स से रिलेटेड है, राइट्स के को मनवाने के लिए उनके लिए आवाज उठानी पड़ती है और कलेक्टिव आवाज जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. ये सारी गेम चेंज हो सकती है अगर सिविल सोसाइटी मीडिया के साथ मिलके और यूथ जो के बेनिफिशरीज ऑफ दिस हैं होंगे, जो उनके साथ मिलके अगर कट्ठे कैंपेन चलाए, तो मेरे ख्याल से वी कैन डेफिनेटली डू दिस. विद दिस आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सहल हासिल गुफ्तगु हुई, इफ आई यूज द राइट वर्ड, इफ नॉट सरफराज विल करेक्ट मी आइदर नाउ और लेटर. बहुत बहुत शुक्रिया. इस जद्दोजहद में हमें आपका साथ चाहिए होगा. ये कैंपेन हमने लॉन्च किया है और इस कैंपेन के तहत हम पार्लियामेंटेरियंस को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, इन सबको साथ लेके चलना चाहते हैं ताकि इस वक्त ये जो आखिरी पुश चाहिए, जब पंजाब के अंदर खास तौर पे हम चाहते हैं कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को मेन करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए और वो करा के ही दम लेंगे. थैंक यू वेरी मच.